बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपको पका के दिखाना चाह रहा हूँ वो है गोभी कीमा, और वो भी एक नए अंदाज में। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा, और जो खाएगा वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि बनाया कैसे। तो इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स पहले आपको दिखाता चलूँ। सबसे पहले मैंने 1 किलो कीमा लिया है, और ये 1 किलो गोभी है, और उसी के साथ ये ऑयल है मेरा 1 कप, और इसके साथ ये प्याज है दरमियान साइज़ की 2 गड्ढी, और इसके साथ ये धनिया है पाउडर, और ये हल्दी है। धनिया मेरा जो है वो 1 चम्मच है, और ये आधा चम्मच हल्दी है। 2 चम्मच जो है मैंने इसमें पिसी हुई मिर्च ली है, और 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट है यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही ये टमाटर है तकरीबन 1 पाव के करीब। इसके साथ ही 10-12 हरी मिर्च ली है जो कि इसमें डालूंगा, ताकि अगर जिस बहन भाई को कम मिर्च लगे तो वो इसको तोड़ के खा सकता है उसके साथ। और ये नमक है हसब ज़ायका है। इसके साथ ये गर्म मसाला पाउडर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बना के दिखाता जाऊंगा, आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसमें मैं ऑयल ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है, तो ये देखें ये मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और अब इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा के और मैं इसमें डालूंगा प्याज। ये प्याज थोड़ा मेरा आधा कच्चा आधा पक्का होगा, तो फिर उसके बाद जो है मैं इसमें और चीज़ें डालता जाऊंगा और आपको दिखाता जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये प्याज मेरी आधी कच्ची कच्ची हो गई है, और इसमें मैं अब ऐड करूँगा लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, अब ये आप कहेंगे हर तरीके से मैं जब भी बनाता हूँ तो ये प्याज हल्दी कच्ची पक्की जो करता हूँ, तो उसकी वजह यह है, एक तो ये घुल जाती है खाने में, और दूसरी बात यह कि जब हम इसको ऑयल में फ्राई करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि ये थोड़ा सा अच्छा मतलब है कि टेस्ट पैदा कर देता है उसमें। और इसी तरह ये लहसुन अदरक है, ये भी अगर आप थोड़ा सा भून कर डालेंगे ना तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा हल्दी का। और इसके साथ भी डाल सकते हैं हम कीमे के साथ, लेकिन मैं ज़्यादातर जो कोशिश करता हूँ वो कोशिश होती है कि इसको पहले मैं थोड़ा सा फ्राई करूँ। मेरे सामने जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा लहसुन अदरक पेस्ट जो है अच्छा खासा भून चुका है, अब इसमें मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। ये पानी इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि कीमा जो है अपनी जगह सब खुल जाएगा, वरना क्या होता है कि कीमा एक गुड़ी सा बन जाता है जिसको हमें बाद में तोड़ना पड़ता है। इसमें हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा, ये देखें सब चीज़ अलग अलग इसकी होती जाएगी। ये देखो अब ये सारा कीमा अलग अलग हो गया, वरना ये गुड़ी बन जाता है और फिर बाद में मुश्किल होती है। तो ये देखें मेरा ये हल्दी पाउडर है जो कि मैंने आपको दिखाया था कि ये डाल दिया मैंने इसके साथ, और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगा रेड चिल्ली पाउडर यानी कि पिसी हुई मिर्च। ये देखें ये आप हसबे ज़ायका जितना चाहें उतना ले सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने 2 चम्मच लिया तो आप भी 2 चम्मच लें, और नमक भी इसी तरीके से हसबे ज़ायका है। ये देखें ये आप ये नमक डाल दिया मैंने, और इसके साथ जो मैंने डालना है ये पिसा हुआ धनिया, ये देखें ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये करने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर चलाऊंगा, और चलाने के बाद थोड़ा सा पानी और डाल के गलने के लिए रख दूँगा। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप कीमा या गोश्त पका रहे हैं तो उसको थोड़ी देर बाद खोल के चेक कर लें क्या यह गला या नहीं गला, क्योंकि बाद बाद ऐसा होता है कि टाइमिंग बताने से ये होता है कि मैंने आपको टाइमिंग बता दी, आप टाइमिंग के चक्कर में और पता ये चला कि आपका कीमा ज़्यादा घुल गया पक गया ज़्यादा, तो उससे भी मज़ा ख़राब हो जाता है, या कच्चा रह गया तो उससे भी मज़ा ख़राब होगा। तो ये देखें इसी के साथ मैंने इसमें ये टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए। अब इनको सब चीज़ों को मैं चढ़ा के और एक 15 से 20 मिनट लगाऊंगा, ताकि 15-20 मिनट में हमारा कीमा गल जाएगा इंशाल्लाह। और जैसे ही गलेगा फिर उसके बाद मैं आपको गोभी का भी बताऊँगा किस तरीके से डालनी है, क्या करना है, क्योंकि ये एक नए अंदाज़ में होगा इंशाल्लाह। आप इससे पहले भी बनाए होंगे अपने, ये नहीं मैं कहता कि नहीं घर में बनते हैं हमारे, लेकिन ये एक नया अंदाज में इंशाल्लाह होगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें पक रहा है मेरा कीमा, और ये अब गलने के लिए मैं इसे ढक्कन लगा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि 15 से 20 मिनट में मेरा ये कीमा गल जाएगा। जब गल जाएगा तो फिर उसके बाद मैं अगला इसको आपका स्टेप बता चलूँगा कि किस तरीके से आपने बनाना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये देखें ये मेरा कीमा जो है गल चुका है। अब इसे सिर्फ मुझे 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको मतलब भूनने के लिए। जब ये बिल्कुल भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें गोभी ऐड करूँगा,
कीमा बिल्कुल गल चुका है ये देखें, और इसी की वजह से मैंने अब इसको खोल दिया है, क्योंकि खोल के पकाना पड़ेगा ताकि पानी जो इसका वो जल्द खुश्क हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि कीमा मेरा पक रहा है और इसका पानी भी खुश्क होने पर आ रहा है, तो मैं ये हरी मिर्चें जो मैंने आपको बताई थी कि मैं इसमें डालूँगा 10-12 आदद, कि अगर किसी को कम लग रही है मिर्चें तो वो इसे तोड़ के उसके साथ खा सकता है। और एक चीज़ और, एक बात और बताता चलूँ कि मेरी जो ये गोभी है जो मैंने आपको दिखाई है, ये ज़रा बड़े साइज़ में कटेगी, ताकि जिस वक्त ये कीमे के साथ जाए तो एक अलग फूल नज़र आए आपका, कि हाँ जी ये अलग गोभी का फूल नज़र आ जाएगा, तो वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये हम अमूमन 5-4 होटलों में जो खूबसूरती है वो इसी चीज़ की होती है, और वहाँ जो पैसे मिलते हैं वो सिर्फ इसी बात के कि खूबसूरती के पैसे लेते हैं वो लोग, और खाना यही होता है जो आपको मैं पका के दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये देखिएगा कि मेरा कीमा जो है बिल्कुल भुन चुका है, मसाले वगैरह सब भुन चुके हैं। अब मैं इसमें जो है गोभी ऐड करूँगा, और गोभी जो है 5 मिनट से रहेगा, 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह गोभी बेहतरीन हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिएगा, मैंने ये गोभी के फूल बड़े बड़े काटे हुए जो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद हल्का सा पानी का छीटा दूंगा ताकि गोभी उसमें गलने के लिए आसानी हो जाए, वरना गोभी इसी पानी में भी गल सकती है। लेकिन मैंने इसलिए आपको बता के जा रहा हूँ कि थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ना तो वो जल्दी गल जाएगी, और आपको बस सिर्फ समझ लें कि 5 से 7 मिनट रखना है आपने, और 5-7 मिनट में ये ऐसी हो जाएगी, और खाने में इंशाल्लाह ऐसी लाजवाब होगी कि आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि वाह क्या बात है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये देखें मैंने अब इसको मिक्स करके और इसको थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देना है, ताकि ये थोड़ा ये गल जाएगी, और जब ये गल जाएगी तो ये समझ लें कि आप इसको खाने में बहुत मज़ा आएगा। ये देखें मैंने एक कप तकरीबन पानी इसमें डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि ज़्यादा डालूँगा तो फिर वो बेकार हो जाता है, सालन में मज़ा जो है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये जो गोभी हो गया, शलजम हो गया, ऐसी चीज़ें जो बनती हैं ये भुनी हुई अच्छी लगती हैं, पानी वाली नहीं, शोरबे वाली नहीं अच्छी लगती है। तो ये देखिएगा कि ये मैंने डाल दिया है, अब मैं इसको ढक रहा हूँ एक 5-7 मिनट के लिए, 5-7 मिनट में गोभी फर्स्ट क्लास गिर जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा नाज़रीन, ये मेरा कीमा और गोभी अब रेडी हो चुका है, और मैं आपको ये खाने के लिए खोला है कि आप देखें तो ये गोभी का फूल कोई नहीं टूटा, सब साबुत है, और ये साबुत ही रहेंगे तो अच्छे भी लगेंगे, और अगर ये मतलब घुट जाती है तो उसमें ना कीमे का पता चलता है ना गोभी का पता चलता है। तो ये देखें हर चीज़ अलग अलग आपको नज़र आ रही है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगा जो मैंने आपको बताया था पिसा हुआ गर्म मसाला, जो कि मैंने पहले से पीस के रखा हुआ है, और ये देखें कि अब इसके अंदर ये लगा दिया जाएगा और इतनी प्यारी खुशबू आएगी इंशाल्लाह कि जब खाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये देखें कि अब मैं इस पर गर्म मसाला ऐड कर रहा हूँ, और गर्म मसाले को डालने के बाद फिर मैं इसको चला दूँगा, इतनी देर में ये जो पानी है थोड़ा सा ये भी खुश्क हो जाएगा, क्योंकि पानी थोड़ा सा गोभी ने भी छोड़ा है और कुछ मैंने डाला है तो ये गलाने के लिए, और ये गली भी इसी वजह से इतनी जल्दी है। ये देखें हर फूल हमारा, ये आपको दिखाते चलूँ, ये देखें ये गल चुका है, अब ये देखें हर गोभी का फूल हमारा बिल्कुल गला हुआ है, बस ये है कि ये साबुत रखनी पड़ती है, मतलब है कि घुटे नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बता ही दिया कि पहले मसाला भूने, फिर थोड़ा सा पानी डाल के गोभी डाल दें, इंशाल्लाह आपको ये खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और उम्मीद करता हूँ कि खाने के बाद और बनाने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा है। और मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और उस पर कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन अभी कुछ मसूफियात की वजह से मैं आपको कमेंट्स का जवाब नहीं बता सकता कि किसके कमेंट्स क्या है, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी में भी आपको कमेंट्स का जवाब भी दूंगा, और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी मैं डिश आउट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छा लग रहा, प्यारा लग रहा। और ये देखें उस गर्म मसाले के बाद मैंने इसमें हरा धनिया ये देखें ऐड कर दिया है, ताकि इसकी भी एक अपनी खुशबू होती है और अपना ही टेस्ट बढ़ जाता है इसका। और ये मैंने हरा धनिया देखें ये लगा दिया, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा चला दूँगा। ये हरा धनिया भी आपका देखें तो क्या बाहर पेश कर रहा है, कि ये देखें हरा कलर, वाइट कलर और रेड कलर, ये सारी चीज़ें देखें मिक्स होकर आ रही हैं, और बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और अभी मैं आपको डिश आउट करके
दिखाने वाला हूँ, वो भी देखिएगा, फिर बताइएगा मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में कि कैसा लगा और कैसी प्रोग्राम आज का कैसा था। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।